क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में हमसे कहा गया है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू 10/77/36। तो हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में क्या लिखना है, टेन इनवर्स। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। तो सिंपली मैं इस साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज कर लूँगा, और इस साइन इनवर्स को भी किस में चेंज कर लूँगा, मैं टेन इनवर्स में चेंज कर लूँगा। तो हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, ये होता है पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो पहले मैं इस साइन इनवर्स के लिए एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, देखिए इस तरह से। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो 8 हमारा क्या है परपेंडिकुलर, 17 हमारा क्या है हाइपोटेनियस। तो ये तो हमारा हो गया 8, और ये कितना जाएगा 17, और ये हमारा 90 डिग्री एंगल होता है। तो इसमें हम क्या, इसमें से हम पाइथागोरस थ्योरम से अपना बेस फाइंड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा ये 17 का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर, ये मैंने एक्स मान लिया, तो कितना हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होता 289, और ये 64 इधर माइनस में आ जाएगा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 225 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स कितना हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर बेस कितना हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। सिमिलरली हम इस साइन इनवर्स के लिए भी क्या बना रहे हैं, ट्रायंगल बना रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया। तो 3 5, ये बेस हमारा क्या जाएगा 4 आ जाएगा। तो फिर इसे मुझे टेन इनवर्स में बदलना है। टेन इनवर्स में बदलने के लिए क्या होता है, टेन क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। तो मैं इस साइन इनवर्स को क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ टेन इनवर्स 8/15। इस साइन इनवर्स को मैंने टेन इनवर्स में चेंज कर दिया। सिमिलरली इस साइन इनवर्स को भी मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ, टेन इनवर्स में 3/4 लिख सकता हूँ मैं। तो इसे मैंने यहाँ लिखा टेन इनवर्स 3/4। अब देखिए हमारा बिल्कुल इसी फॉर्मूले पर बेस्ड हो गया क्वेश्चन, कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। तो ये एक्स है हमारा, ये वाई है। तो हम यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स 8/15 प्लस, यहाँ प्लस है प्लस आएगा, 3/4 अपॉन में वन माइनस 8/15 मल्टीप्लाई 3/4। देखिए हम कैंसिल आउट नहीं करेंगे, अगर कुछ कट भी रहा होगा तो नहीं काटेंगे वो, इसलिए क्योंकि जब हम एलसीएम लेंगे तो वो दोनों टर्म हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना जाएगा 15 मल्टीप्लाई 4। ठीक, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगी 8 से, 4 8 जा 32 प्लस 4 से 4 कैंसिल, 15 की मल्टीप्लाई 3 से 45। यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 15 मल्टीप्लाई 4, और यहाँ पर 1 था, तो एलसीएम हमारा कितना जाएगा 15 मल्टीप्लाई 4, 15 4 जा 60, 61 जा 60, यहाँ 60 आ जाएगा माइनस 8 3 जा 24। यहाँ 15 मल्टीप्लाई 4 से 15 मल्टीप्लाई 4 कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे टेन इनवर्स 32 प्लस 45 कितना आ जाएगा हमारा 77, और 60 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 36।